मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम कर दो आप अपने YouTube चैनल आइकॉनिक टच पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ, और ये टॉपिक आपके लिए और मेरे लिए, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओपन कैमरा की सेटिंग्स। हाँ जी, आपने सही सुना, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, मैं हूँ चाहे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, यहाँ तक कि भुवन बम हो गए, कैरिमिनाती हो गए, ये सब एक बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं वो ओपन कैमरा का यूज करते हैं, वो जब वो स्टार्टिंग में, अभी तो मान लिया वो DSLR का यूज करते हैं, बट स्टार्टिंग में वो ओपन कैमरा का ही यूज करते हैं। सो आज इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा बताऊंगा ओपन कैमरा की सेटिंग्स के बारे में, कि ओपन कैमरा में हम कौन कौन से सेटिंग्स सेट करके हम अपने वीडियो क्वालिटी यानी वीडियो शूट को हम एक एज अ प्रोफेशनल बना सकते हैं। सो हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। अब करना है आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। पहले आप ऊपर से नेट ऑन कर लो, फिर प्ले स्टोर ओपन करके उस पर आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके लिखना है ओपन कैमरा। जैसा कि देखो मैंने लिखा ओपन कैमरा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो मेरे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा। अब ये ओपन करने के बाद आप देख रहे हो सेटिंग्स में, आपको इसमें ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हो एक सेटिंग्स का ऑप्शन है, बगल में तीन डॉट लिखा हुआ है। अब फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने इसको बंद किया, आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने लिख के आ रहा है फेस डिटेक्शन टाइमर रिपीट, तो फेस डिटेक्शन को आपको ऑफ ही रखना है। अब इसके बाद क्या होता है, आपको नीचे जाना है, आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है कि अपने मन से आप कुछ कर दो कर नहीं कर सकते, और ये करने पे आपकी वीडियो क्वालिटी पे ही बहुत ही ख़राब असर पड़ेगा। आपको नॉर्मली जाना है फोटो सेटिंग्स पे, आपने क्लिक किया और फोटो सेटिंग्स पे क्लिक करते ही ऊपर आप देख के लिख के आ रहा है कैमरा रेजोल्यूशन। कैमरा रेजोल्यूशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो लाइन से रेजोल्यूशन आ रहा है, जैसे 4608x3456, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन कर सकते हो, बट नॉर्मली आप इसको डिफ़ॉल्ट भी रहने देना, मतलब जो ऊपर है आप उसी पे क्लिक रहने देना। फिर आप कैंसिल करके नीचे आओगे, देखे हो ये चीज़ जो आपका बंद है, सेव ऑल इमेजेस फॉर HDR मोड, ये भी इसको ऑफ रहने देना। फ्रंट कैमरा मिरर, अगर आपको फ्रंट कैमरा मिरर ऑन करना है तो इसको आप मिरर फोटो पे क्लिक करके डाल सकते हो, इस पर तो मैंने नॉर्मली नो मिरर करके रखा है। अब आपको यहाँ से बैक जाना है, इसके बाद आना है आपको जैसे देखिए लिखा हुआ है मोर कैमरा कंट्रोल्स कैमरा प्रीव्यू एंड ऑन स्क्रीन GUI, तो आपको ऑन स्क्रीन GUI पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसमें किसी भी चीज़ पे ऑन नहीं रखना है, कुछ छेड़छाड़ मत करिएगा, डायरेक्टली नीचे जाइएगा और देखिए दो चीज़ लिखा हुआ है, सो ऑटो वाइट बैलेंस लॉक, सो ऑटो एक्सपोजर लॉक आइकन, ये दोनों अगर आप में ऑफ होगा तो इसको आप ऑन कर लेना, क्लिक करते ही ये ग्रीन बटन शो करेगा तो मतलब ये ऑन हो गया। अब नीचे आपको कोई भी चीज़ पर छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसे ही रहने दीजिएगा। यहाँ से आपने बैक किया, अब आपको जाना है वीडियो सेटिंग्स पे। अब वीडियो सेटिंग्स पे आप गए, फिर देखिए ऊपर लिखा हुआ है वीडियो रेजोल्यूशन, इस पर क्लिक करिए, तो इसमें आपको जो भी रेजोल्यूशन देना है अपने वीडियो को, अपने मतलब वीडियो क्वालिटी को अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो 4K पे करिए, चाहे उसके नीचे भी है 4000x1840, तो मैं तो नॉर्मली 4K पे ही करके वीडियो को भी रिकॉर्ड करता हूँ, और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स ओपन कैमरा का ही यूज़ करते हैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद आप नीचे लेकर जाओगे, नीचे देखिए लिखा हुआ वीडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे तो डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देना, इसमें भी कुछ छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, कैंसिल करिए। उसके बाद मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो पे भी आपको अनलिमिटेड करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, मान लिया इससे क्या होता है, अगर आपकी कोई वीडियो मान लीजिए आपने इस पर सेट करके रखा 4 मिनट का और वीडियो आपकी बन गई 10 मिनट की चाहे 5 मिनट की, तो वीडियो वहीं से कट हो जाएगा और आपकी ऑटोमेटिक कट होगा और आपकी फुल वीडियो बन ही नहीं सकता है, तो यहाँ से आप कैंसिल करिएगा, उसको अनलिमिटेड पर ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आता है रीस्टार्ट वीडियो आफ्टर मैक्सिमम ड्यूरेशन, इसमें भी आपको डोंट रीस्टार्ट पे ही क्लिक करना है, यहाँ से आप कैंसिल करो। फिर आपको जाना है नीचे, आप जाते हाँ देखिए ये लिखा हुआ है रीस्टार्ट ऑन मैक्सिमम फाइल साइज, इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है, ऑफ मत रखिएगा। नीचे आइए, नीचे लिखा है रिकॉर्ड ऑडियो व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो, इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको मान लो ऑफ कर दोगे तो इसमें दिक्कत ये आएगा कि आपका वीडियो तो रिकॉर्ड होगा बट आपका उस वीडियो में आपका ऑडियो नहीं आ पाएगा, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर लेना। उसके बाद ऑडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स में ये थोड़ी आपको दिमाग लगाकर आँख खोल के देखना पड़ेगा, जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ कैमकॉर्डर एक्सटर्नल माइक डिफॉल्ट ऑडियो सोर्स, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। अब आप कितने वीडियो में देखे होगे, कितने लोग कहते कि ऑडियो सोर्स, कितने लोग देखे होगे बोलते कि ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में आपको क्लिक करना है,
बट इसे वो मत करेगा, क्योंकि इससे दिक्कत ये होती है कभी कभी क्या आता है कि आपकी जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो ऊपर नीचे होने लगता है, यानी जो आपके वीडियो में कभी कभी वेव बनने लगता है, आपकी वीडियो रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आ पाती है। इसीलिए अगर आप एक्सटर्नल माइक का यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर बाहर से अगर आप कोई पॉकेट माइक चाहे आप कॉलर माइक यूज़ कर रहे हो, तब आप इसको एक्सटर्नल माइक पर क्लिक करिएगा, एक्सटर्नल माइक पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कैमकॉर्डर से करना पड़ेगा, तो इसलिए ऑडियो सोर्स से मैंने कैमकॉर्डर पे कर लिया। अब इसके बाद क्या आता है, ऑडियो चैनल। ऑडियो चैनल पे आप क्लिक करते हैं, डिफ़ॉल्ट पे रहने दीजिएगा और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद देखिए नीचे आप आते जाए देखिए, अब इसमें लिखा वीडियो बिटरेट। वीडियो बिटरेट में आपको डिफ़ॉल्ट पे ही सेटिंग करना है। अगर आप इसको देखिए, वीडियो बिटरेट 200 Mbps तक दिया गया है, यानी 100 KBPS से किलोबाइट पर सेकेंड से लेकर 200 MB तक दिया हुआ है। अभी इतना ज़्यादा इसलिए गिवन है, और हाँ ये वीडियो आपकी लंबी जाने वाली है मान रहा हूँ, बट ये आप देख लो एक बार, आपके लिए बहुत ही काम आएगा। आपको डिफ़ॉल्ट पे रखना है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट का मतलब ही होता है कि आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक सेट कर लेता है। अगर आप मान लो 200 पे कर रहे हो तो वीडियो साइज़ आपकी बहुत ही बढ़ जाएगा, यानी वीडियो साइज़ लार्ज हो जाएगा, और ये आपके लायक नहीं, ये उनके लिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो मतलब DSLR का जो यूज़ करते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूब्स वीडियो बनाने के लिए, चाहे अपना नॉर्मली कोई भी वीडियो बनाने के लिए, ये वो यूज़ करते हैं 200 Mbps पे। तो आप नॉर्मली डिफ़ॉल्ट पे ही किए रहिएगा। इसके बाद आइए वीडियो फ्रेम रेट। वीडियो फ्रेम रेट पे क्या होता है, अगर आप डिफ़ॉल्ट पे करोगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं आती है, बट वीडियो फ्रेम रेट मैंने भी करके देखा था तो मेरी भी वीडियो क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं आ रही थी। मैंने 15 पे किया, 24 पे किया, अच्छी आती थी बट उतनी नहीं। तो आपको 30-60 तक के बीच में आपको वीडियो फ्रेम रेट रखना है, इसलिए मैंने 30 पे रखा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ क्रिटिकल बैटरी चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है ओपन कैमरा का, क्रिटिकल बैटरी चेक। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, इसमें दिक्कत यह आता है कि मान लो कि आपने इसको ऑफ कर दिया और अगर आप कोई वीडियो अपना रिकॉर्ड कर रहे हो ओपन कैमरा से, अचानक ही आपकी बैटरी मान लीजिए 2% है और अचानक ही वो बैटरी आपकी डेड कर गई, मतलब कि आपका फ़ोन शटडाउन हो गया और ये आपका ऑफ है। फ़ोन शटडाउन होते ही आपने जितना मेहनत किया वो पूरा मेहनत आपका पानी में चल जाएगा, मतलब वो वीडियो आपका चाहे जो आपका फाइल है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, पूरा मेहनत आपका बेकार। इसीलिए आप क्रिटिकल बैटरी चेक को ओपन रखिएगा। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपका वीडियो 10 मिनट का है और आपका फ़ोन की बैटरी 3% है और आपने 5 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक फ़ोन शटडाउन हो गया, तो आपको चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब अपने फ़ोन को चार्ज करोगे, जब दोबारा वो 100% पे होगा, जब आप ओपन करोगे तो आपको वहीं से दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है अगर आप क्रिटिकल बैटरी चेक को ऑन किए रहोगे तो। और लास्ट में आता है आपका फ्लैश वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो, ये नॉर्मली ऑफ रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो नॉर्मल बच्चे यूट्यूबर्स होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, वो दिन में ही अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये ऑन करने की जरूरत, इसका ये ज़रूरत है, आप अपने वीडियो में फ्लैश ला सकते हो। अगर आप रात में मान लीजिए कर रहे हो तो इसको ऑन करने पर आप अपने वीडियो पे फ्लैश ला सकते हो। फिलहाल तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। ये आ गई नीचे पूरा। अब इसके बैक आना है। अब बैक आने के बाद आप देख रहे हो, ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं। देखिए तीन डॉट दिख रहा है, इस तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है वीडियो रेजोल्यूशन स्पीड। अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हो या स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं तो अपना स्पीड नॉर्मल ही रखूँगा। हाँ ये आपका स्पीड नॉर्मल ही रहेगा, स्पीड नॉर्मल देखिए 3 आ गया, 2, 1 स्पीड नॉर्मल। टाइमर आप इसको ऑफ कर सकते हो, चाहे टाइमर इंक्रीज कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। ग्रिड, जैसे ग्रिड का आप जैसे देखते हो कि आप अपने स्क्रीन पे ग्रिड लाना चाहते हो, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कैसे ग्रिड आ रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आ रहे हैं। देखिए ये दूसरा ग्रिड, ये तीसरा ग्रिड, इस तरह का ग्रिड आपके आते जाएगा। तो इसको आपको नॉर्मल ही रखना है, अपना ग्रिड नन पे कर दीजिएगा। वाइट बैलेंस अगर आप अपना करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। और कलर इफेक्ट अगर आप डालना चाहते हो अपने वीडियो रेजोल्यूशन में तो आप कलर इफेक्ट यहाँ से डाल सकते हो। इसके बाद आते हैं, आप ये देख रहे हो एक ही तरह लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे देखिए फोकस ऑटो, मतलब इस पर आपको हमेशा क्लिक करके ही रहना है ऑटो फोकस पे, कि अगर आप कोई चीज़ पे वीडियो बना रहे हो या फोटो क्लिक कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट पे या ऑटोमेटिक फोकस कर लेगा, आपको फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए उसके बगल में के इन्फिनिटी करके दिया हुआ है, ए के बगल में, ये करने पे क्या होता है फोकस इन्फिनिटी, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट पे ये फोकस करेगा नहीं, ये पूरे इन्फिनिटी लेवल पे ऑटो फोकस कर देगा।
उसके बाद आता है देखिए जो फूल की तरह बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे फोकस मैक्रो, मतलब अगर आप कोई मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हो, अगर आप कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स या छोटे फूल का, छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स का अगर फोटो क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ से आप मैक्रो पे क्लिक करेगा तो क्या, जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको ये तुरंत ही डिटेक्ट करके ऑटो फोकस कर लेगा। उसके बाद आता है लॉक, ये है फोकस लॉक्ड, इसका मतलब कि मान लीजिए आपने मैक्रो पे इस पर क्लिक करके आप इसको लॉक भी कर सकते हो, तो इसे हिलेगा नहीं और आपको ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं, आपको देखिए दिखाता हूँ, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए दो ठो ताले जैसा हुआ है, एक डब्लू और एक माइनस प्लस बना हुआ है, तो डब्लू पे आपको क्लिक करना है, डब्लू पे आप जैसे क्लिक करोगे तो वाइट बैलेंस लॉक हो जाएगा, और ये भी क्लिक किए तो एक्सपोजर लॉक हो जाएगा। अब इससे ये फ़ायदा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिस पर आप फोकस करोगे वहाँ पर आपका वाइट बैलेंस और एक्सपोजर दोनों लॉक हो जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा, आप वीडियो रेजोल्यूशन जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही बेटर आएगा। अब एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख रही है, देखिए मेरा हाथ देखिएगा, देखिए कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मैंने हाथ इधर कर रहे हो तो आप देख रहे हो वीडियो की जो अंदर की कलर है वो चेंज हो रहा है, बट अगर मैं ऊपर से ये वाइट बैलेंस लॉक कर दूं और एक्सपोजर लॉक कर दूं तब आप देखिएगा कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए देखिए वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आप मेरे हाथ क्यों देख रहे हो बट कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, ये तो वीडियो वाला है और इसके बगल में है कैमरा वाला, ये कैमरा ये वीडियो, ये हो गया वीडियो। अब आप देख रहे हो ये, देखिए ये, इसका मतलब ये है कि आप इससे जूम भी कर सकते हो, चाहे जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। जैसे कि जूम इन करने पे देखिए आपको पूरे जो बेडशीट है, देखिए बेडशीट के एक एक धागा दिख रहा है, और जूम आउट करने पे आपको नॉर्मल ये एक बेडशीट दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आपके ओपन कैमरा के फुल ट्यूटोरियल यानी फुल सेटिंग्स जो कि आप देख लिए, और यही सेम चीज़ आप यूज़ करके आप अपने वीडियो क्वालिटी को बहुत ही बेटर कर सकते हो।